नीचे हूँ और आपको मैंने अभी दिखाया कि यहाँ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, पुलिस पूरी तैनात है, लोडर जो ट्रक लोडर है उनके बैरिकेड्स हैं, यहाँ पत्थर बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के अपने जो बैरिकेड होते हैं लोहे के वो तो लगा ही रही है, वो सारा काम जब पुलिस के निर्देशन में हो रहा है। और अभी मैं टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच जा रहा हूँ, उससे पहले ही तमाम साथी यहाँ जो किसान आंदोलन शरीक हैं, किसान नेता, किसान और उनके नेता और तमाम बच्चे भी हमारे साथ ही हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं, पहले आपसे पूछते हैं, शुभ नाम क्या आपका? कश्मीर सिंह। अच्छा कश्मीर सिंह, ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ? हमारा पहले दिन से ही है, जब नवंबर 25 आए ना, 25-26 के ही कुछ दिन के इधर। तो कितना दिन हो गया करीब? तो करीब 58 दिन हो गया। 58 दिन हो गया आपको यहाँ से और आप डटे हुए हैं? डटे पूरे। तो आप अकेले हैं परिवार के साथ? नहीं, हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। ये आपका बच्चा? अच्छा, अच्छी भी है, फैमिली भी है। अच्छा, देखने के लिए। अच्छा, अभी आपसे पूछे कि अभी कल जो प्रस्ताव हुआ है, 10वें दौर की जो वार्ता हुई है, उसमें पहली बार सरकार एक ठोस प्रस्ताव के साथ आई है। उसने कहा है कि 1.5 साल के लिए हम जो है स्थगित कर देंगे कानून को लागू करना, एक कमेटी बना दी जाएगी, फिर वो जो फैसला करेगी उसके हिसाब से लागू किया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? देखो ये मंजूर नहीं है, 1.5 साल के बाद फिर चालू कर देंगे, और जो कमेटी है जो पहले बनी है वो हमारे से मंजूर नहीं है, वो उनकी है, वो तो पहले भी सरकार के पक्ष में वो लेख लिख रहे हैं, दे रहे हैं पेपर में भी, जो भी है वो सरकार के हक में दे रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन मैं बताऊं, जो कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बनाई है, उसके अलावा एक अलग कमेटी की बात करी जिसमें दोनों पक्षों के लोग रहेंगे, इसे एक कहना सर वो जब बनेगी ना फिर देखेंगे ना। अच्छा, अभी तो नहीं जी, इस प्रस्ताव के बारे में आपका क्या कहना है? जी कोई कहना नहीं, ऐसे कहना कानून रद्द हो, इन्हें कानून रद्द हो जाना, अभी आप अपने घर जाइए, नहीं तो अं नहीं हिला के भावे 4 साल लग जाए। हाँ जी, करा करांगे। आपको कानून रद्द करने से नीचे कोई बात मंजूर नहीं? ना, कोई नहीं है, मंजूर नहीं है। तो आप वैसे जो है नजदीक है, तो आपको क्या लगता है 26 तारीख को क्या होगा, आप क्या करेंगे? दिल्ली में? आप दिल्ली में जाएंगे? दिल्ली में जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारे से लाठी मारे चाहे गोली मारे, हम तो मरने आए हैं, हमारे को मारेंगे, हम मरेंगे। जब साडा कित्ता खुश सब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब साडा कित्ता खुश के ताने, हमारे 5 एकड़ की जमीन है, मेरे 2 लड़के हैं, हम जब हम ना रहेंगे, हमारी जमीन ना रहेगी, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमारे को प्रॉब्लम है, अब इतने कानून रद्द होने चाहिए, रद्द को बिना हम कुछ नहीं मांगते, एक जो रिपोर्ट है पूरा हनुम मिलना चाहिए, लेकिन सरकार तो कह रही हम जो है स्थगित कर रहे हैं 1.5 साल का, उसके बाद कमेटी बना के वो करेंगे, आप उस पर आंदोलन वापस। सरकार झूठ झूठ बोलती आ रही है 14 से लेकर आज तक 21, वो झूठ में झूठ बोलती, पहला बोलती ही 15 लाख रुपये एक में आएंगे जिम्मेदार में, और 15 लाख भी की है, अभी उसने एक कानून बना दिया और हमारे को मालूम नहीं चाहिए। आपको सरकार पर भरोसा नहीं? नहीं, हमको सरकार पर कुछ, हमने उसका वोट पाया, हमको ही उसको धोखा दिया। तो आप अभी 26 तारीख को अगर आपसे पूछें तो आपकी योजना क्या है, क्या करेंगे? हम जाएंगे दिल्ली में, जो मार्च करेंगे, साथ में अपनी ताकत किसान दिखाएंगे। तो ताकत में मान लीजिए अगर हिंसा हो गई तब वो तो सरकार करेगी ना, हम तो नहीं, किसान नहीं करेगा। आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम तो शांति से रहेंगे। जो कमेटी बनाई है, कमेटी को तो खुद ने किसान के ऊपर भरोसा, तो खुद इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। परमजीत जी, आप कितने दिन से बॉर्डर पर? 58 दिन से, 58 दिन से आप हैं, तो अभी भरोसा नहीं टूट रहा आपका? नहीं नहीं, जब तक कानून रोशनी होगा तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। बोला आप यहाँ बगैर कानून वापस कराए आप यहाँ से नहीं जाएंगे? 2 साल लग जाए। अभी जो 26 तारीख आ रही है उसमें किसान कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं हम घुसेंगे, और सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ बैरिकेड और सब लग रहे हैं,
पुलिस के अभी हेडक्वार्टर तक गृह मंत्री जी गए थे, पुलिस को उन्होंने तैयार किया है, तो आपको लगता है कहीं टकराव ना हो जाए, आपको नहीं लग रहा है? टकराव तो जो दिल्ली पुलिस करेगी ना, हम तो टकराव नहीं करेंगे ना, आप टकराव नहीं करेंगे, हम तो शांतिपूर्ण जो आंदोलन है करेंगे, जो ट्रैक्टर का मार्च करेंगे दिल्ली में करेंगे ना, इसलिए हम गोली मारें, डांगे चलाएं, कुछ भी चलाएं, लाठी चलाएं, हम अपने तो चलेंगे। आप मतलब अपना काम करेंगे, उनको जो करना होगा आप पूरा शांतिपूर्ण तरीके से। आप अभी 58 दिन से जमे हुए हैं, शुभ नाम आप क्या है? उम्मीद सिंह। तो 26 की आपकी तैयारी क्या है? अगर आपसे 26 तरीके से ऐसा ही है, जो ट्रैक्टर मार्च होगा ना, वो किसान अपनी शांतमय तरीके से करेंगे, और दिल्ली पुलिस को और दिल्ली जनता को कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, उसका उनका क्या बैर है उतना, ना पुलिस से कोई बैर है, ना दिल्ली जनता से कोई बैर है, किसानों का, हमारी भी पुलिस है, हमारे रिश्तेदार भी पुलिस में, यहाँ भी पुलिस में है हमारे रिश्तेदार, और इनका क्या बैर है? जो सरकार ये कर रही है कानून काले, जो हमारे को नहीं चाहिए वो जबरदस्ती दे रही है, जिस चीज की हमारे को भूख ही नहीं है हमारे पेट में डाल रही है, वो क्यों नहीं है सरकार आपके पास रखती, वो आपके पास रखे और विकास के कामों से लाए, जो हमारे को फायदा देना चाहती है हम वो फायदा नहीं लेंगे, इसको कानून को रद्द कर दे, आज ही रद्द कर देगी, जब कल कमेटी का कोई है इनका टाइम कल कर देगा, तो परसों से अभी लोग शांतमय तरीके से रहेंगे और वापस चले जाएंगे, क्या करें? अब देख सकते हैं यहाँ जितने लोग हैं सब जो है किसान आंदोलन में शरीक हैं, 58 दिन हो गए हैं इनको, और ये सारे लोग जो है कह रहे हैं कि बगैर कानून को वापस कराए ये यहाँ से नहीं जाएंगे, भले इनको यहाँ जान देनी पड़े, ये अपने परिवारों के साथ आकर के यहाँ डटे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इनके जज्बे कितने बुलंद हैं, इनका हौसला कितना बुलंद है, और ये सरकार को ये बात समझनी चाहिए। शायद कल जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, एक ठोस प्रस्ताव स्थगन का, इससे लग रहा है कि सरकार जो अभी तक एक कड़ा रुख अपनाए हुए थे, अड़ियल रुख अपनाए हुए थे, जिद किए हुए थी, अब उससे पीछे हट रही है, उसको लग रहा है कि एक पासा उसने फेंका स्थगन का, लेकिन जो अभी तक बातें आई हैं, जो इनोज हम बातें कर रहे हैं, ये उससे भी सहमत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन में जो नेता है, जो मोर्चा है, किसान मोर्चा, उसकी आज बैठक है, उसके बाद ही इस पर फैसला होगा, लेकिन जो क्योंकि किसान नेता भी वही करेंगे जो उनकी जनता चाहती है, और जनता आपके सामने बोल रही है, देख रहे हैं, ये कोई स्थगन नहीं, सिर्फ कानून रद्द हो, कानून रिपील हो, कानून वापस हो, यही एक इनकी शर्त है, इससे कम पर कुछ भी नहीं, ये जज्बा आपके सामने इन्होंने जाहिर किया है। हमको लगता है सरकार की बात सुननी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, 26 तारीख आए उससे पहले, क्योंकि इनका कहना कि इनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, इस शांति से जाएंगे, अब सरकार को जो करना हो, पुलिस को लाठी चार्ज करना हो, पुलिस को गोली मारना हो, इनके सीने खुले हुए हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, कम से कम टिकरी बॉर्डर से इन किसानों ने यही संदेश दिया है। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।